नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हो, लगभग हमने 8000 के आसपास प्रॉफिट बुक किया है। तो देख सकते हो, सबसे पहले जो हमने 29,600 का जो पी शॉर्ट किया था, उसमें हमने लगभग 10,000 के आसपास प्रॉफिट बुक किया था। लेकिन जो बाद में हमारा एक कॉल ट्रिगर हुआ था 29,600 का, उसमें 2,200 का लॉस होगा। इसलिए दोस्तों ओवरऑल प्रॉफिट 8,000 के आसपास आ चुका है। तो मैं एक बार स्क्रीन रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, तो आप देख सकोगे। ओके, तो देख सकते हो, अभी तो लोडिंग हो रहा है। हाँ, देख सकते हो, लगभग हमने जो प्रॉफिट बुक किया है 8,000, वो दिख रहा है। तो इसके पीछे के ऑर्डर्स में दिखा देता हूँ सारे, एक बार चेक कीजिए। तो आज हमने फुल क्वांटिटी में काम किया था, ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था, फिर भी एक मोमेंट कैप्चर करने की कोशिश की थी, जो कि मुझे बहुत पसंद आती है मोमेंट कैप्चर करना। तो वो मोमेंट मैंने कैप्चर कर ली थी। तो देख सकते हो, जो सुबह सबसे पहले ट्रेड लिया गया था वो 942 को था, और जो एंड हुआ वो 951 को था। तो जो आखिरी वाला ट्रेड था हमारा 29,600 का पी जो शॉर्ट किया था 300 क्वांटिटी, वो विद इन 1 मिनट के अंदर ही कंप्लीट हो चुका था। तो चलिए लॉजिक समझा देता हूँ, फिर से एक बार स्क्रीन रिफ्रेश करके दिखा दूंगा। और ऐसे ट्रेड लेने के पीछे थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है, इसलिए मैं नए ट्रेडर्स को बताना चाहूँगा कि ऑप्शन में काम करना चाहते थे तो एक या दो लॉट में काम करें। 12-12 10-10 लॉट में काम करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करके सीख जाओगे तब आप काम कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको एक बार निफ्टी बैंक के स्पॉट के चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ। ओके, तो देख सकते हो ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो अभी देख सकते हो, यहाँ पे मैं टाइम भी दिखा देता हूँ। 10 कर्सर को देखिए नीचे, यहाँ पे देख सकते हो अभी 10:05 हो चुकी है, और डेट भी दिखा देता हूँ, 27 नवंबर है, और मार्केट अभी भी शुरू है। तो क्या रीज़न था मेरे ट्रेड लेने के पीछे, एक बार मैं जो टाइम फ्रेम है 1 डे का लगा देता हूँ, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ वीडियो को। दोस्तों एंड तक देखिए, तभी आपको पूरी जानकारी मिल सकेगी। मुझे पता है कि ये जो ट्रेड होते हैं थोड़े 1 या 2-3 मिनट के अंदर ख़त्म होने वाले होते हैं, तो उसमें लॉजिक ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, उसमें एक्सपीरियंस ही काम करता है। फिर भी समझाने की कोशिश करूँगा मेरा व्यू क्या था। अगर आप ये पकड़ पाए तो आपके लिए ये अच्छा होगा, कि बाद में आप टेक्निकल एनालिसिस करने बैठोगे तो ये चीज़ें आप रिलेट कर सकोगे। ठीक है, अभी देखो क्या हुआ था। 2 दिन पहले ये मार्केट में बहुत बड़ा फॉल हुआ था, क्योंकि 30,000 का जो राउंड लेवल था उसके पास सेलर बैठे हुए थे, और उन्होंने वहां से अपना काम कर दिया था। और उसके बाद एक्सपायरी कैंडल बना था, थोड़ा सा जूम करके दिखा था, तो एक्सपायरी कैंडल बना था और ये भी बहुत वोलेटाइल था। और मार्केट ने आज क्या किया, ये देखिए, इसका क्लोजिंग प्राइस है 29,550। तो आज का ओपनिंग प्राइस इससे थोड़ा सा ज़्यादा था, मतलब लगभग 100-150 पॉइंट ऊपर था। तो मार्केट क्या होना चाहिए, अभी लॉन्ग वीकेंड आने वाला है, सैटरडे संडे और मंडे को भी छुट्टी है, तो 3 दिन FIIs और DIIs, जो मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते हैं और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते हैं, वो पैसा रखेंगे नहीं, क्योंकि 3 दिन में कोई भी न्यूज़ फ्लो हो सकता है मार्केट में। उसी के कारण मैं थोड़ा बेरिश था शुरू में, लेकिन क्या हुआ, बेरिश में होने के कारण मैंने 29,600 का कॉल शॉर्ट किया था, उसमें 2 मेरे स्टॉप लॉस हिट हुए थे। लेकिन जो मेरा रिस्क था मेरे फेवर में था, इसलिए मैंने वहां पे अपना स्टॉप लॉस लेके उसके बाद थोड़ा सा देख लिया कि ये क्या हो रहा था। तो ये छोटे अपने सपोर्ट के आसपास फ्लक्चुएट कर रहा था, मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, यहां पे एक सपोर्ट बन के आता है, ठीक है, तो यहां पे आ रहा था, तो मैंने एक देख लिया कि यहां से अगर इसको नीचे भी जाना है तो एक बार बाउंस बैक करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट हमेशा अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक बार रिस्पेक्ट जरूर करता है। तो लगभग यहाँ पे था 950 के आसपास, आप देख सकते हो ये टाइमिंग, ये कैंडल भी 950 की है, नीचे टाइमिंग देख सकते हो 27 नवंबर 950। तो यहाँ पे मैंने पुट शॉर्ट किया था। तो कौन सा पुट शॉर्ट किया था, मैं एक बार टेक्स्ट करके दिखा देता हूँ, तो आप चीज़ें रिलेट कर सकोगे। 29,600 का हमने यहाँ पे पी शॉर्ट किया था, और हमारी क्वांटिटी भी कितनी थी, तो हमारी क्वांटिटी थी 300। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा कलरफुल कर देते हैं तो आप आइडेंटिफाई कर सकोगे। ओके, तो जैसे कि मैंने लिख लिया यहाँ पे 29,600 का पी शॉर्ट किया था, 300 क्वांटिटी थी, ये कैंडल पे मैंने शॉर्ट किया था, और विद इन 1 मिनट के अंदर एक बड़ा मुआया बैंक निफ्टी के अंदर। देखिए कितने पॉइंट का मुआया था, 29,400 से लेके ये गया था 29,633, मतलब लगभग 233 पॉइंट का, 233 पॉइंट का मूवमेंट आया था। तो उसमें मुझे लगभग यहाँ पे जो मैंने पी शॉर्ट किया था, पी शॉर्ट करने का मतलब क्या होता है, मार्केट ऊपर जाना चाहिए, तो मेरा जो व्यू था यहाँ पे सही था, क्योंकि मार्केट देखिए यहाँ से एक बार बाउंस बैक हुआ था, तो ये बनता ही था कि मार्केट यहाँ पे रिस्पेक्ट देके ऊपर जाए।
जरूरी नहीं था कि फास्ट ऊपर जाए, ऐसा थोड़ा सा धीमे भी जाता फिर भी मैं पैसा कमा लेता, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा मतलब एक फास्ट मूवमेंट आया उसके कारण मेरा जो मतलब टारगेट था विद इन 1 मिनट के अंदर ही अचीव हो चुका था। तो यही रीजन था आज के ट्रेड के पीछे। तो ऐसे मूवमेंट कैप्चर करना मुझे थोड़ा पसंद आता है, लेकिन नए ट्रेडर के लिए ये थोड़ा रिस्की हो सकता है। आप एनालिसिस करोगे तो आपको ये चीज़ें आप पकड़ पाओगे। अभी भी देखिए थोड़ा व्यू बता देता हूँ क्या हो सकता है आगे, जो भी है मेरा व्यू मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। ओके, तो अभी ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम ही है। मैं एक बार आपके लिए बैंक निफ्टी का जो फ्यूचर का चार्ट है वो भी लगा देता हूँ, जिसमें कि आपको वॉल्यूम वगैरह देखेंगे तो आपको थोड़ा आसान हो जाएगा समझना, क्योंकि स्पॉट के चार्ट में दोस्तों वॉल्यूम तो नहीं होते, यहाँ पे खाली कैंडल्स बनते हैं। तो मैं आपको एक बार फ्यूचर का चार्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अभी आपने तो 1 डे और 1 मिनट का चार्ट देखा है, तो मैं डायरेक्टली इसको 1 मिनट पे कन्वर्ट कर देता हूँ। तो देखिए ये जो आज का जो मूवमेंट रहेगा ये वोलाटाइल रहेगा, बहुत ही ज़्यादा वोलाटाइल रहेगा, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है। जो भी अपनी पोजीशन है FIS या DIS सीधा सीधा मतलब चार्ट पे एक्सप्लेन नहीं होगा, वो चीज़ आप पकड़ नहीं पाओगे कि नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है। आपको लगेगा कि एक पॉइंट पे नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, लेकिन वहां से सडनली ऊपर जा जाएगा, और आपको लगेगा कि ऊपर जा रहा है, सडनली वहां से टर्न अराउंड होगा। ये वोलाटाइल रहेगा सेशन, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है, तो थोड़ा सा न्यूज उनके पास रहेगा तो नीचे लेके जाएंगे, अच्छा न्यूज रहेगा तो ऊपर लेके जाएंगे, हो सकता है कुछ भी। तो 3:30 तक आप देख सकते हो मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी। देखिए अभी एक घंटा भी नहीं हुआ है, लेकिन मार्केट में 200 300 400 पॉइंट की मूवमेंट हो रहा है। तो ये एक चैनल बन रहा है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। और ये चैनल किस तरफ ब्रेक होगा उस तरफ थोड़ा मूवमेंट आ सकता है। अभी ये देखिए यहाँ पे लाइव शुरू है, मैं एक बार अपना मार्केट डेप्थ दिखा देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे पॉइंट जो मतलब है 29,523 चल रहा है, और इसमें जो ये, और दोस्तों एक बताना चाहूँगा, ये बायर और सेलर नहीं होते, ये बायर और सेलर नहीं होते। ऐसा होता तो हर कोई मोमेंट पकड़ लेता और पैसा कमा लेता। ये नंबर ऑफ क्वांटिटी होती है कि कितने किसने कितने ऑर्डर मतलब पेंडिंग है, या मतलब उसके ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुके हैं, ये नंबर है, ये बायर और सेलर नहीं है। ये सबसे पहले ध्यान समझ में ले। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हाँ ये नंबर ज़्यादा है तो सेलर ज़्यादा है, मैं इसको सेल कर देता हूँ, ऐसा होता नहीं है दोस्तों। अभी ये दिखा देता हूँ, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको नंबर ज़्यादा, लेकिन मार्केट नीचे नहीं आ रहा। यहाँ पे देखिए ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है अभी। तो ये चीज़ें होती है, तो जब आप सीखोगे ये सारी चीज़ें तो आप पकड़ पाओगे, ठीक है। तो एक चैनल में फंसा हुआ है मार्केट, रेंज बाउंड है अभी भी। जिस तरफ ये ब्रेक करेगा उस तरफ बड़ा मूवमेंट हो सकता है, अगर ये यहाँ से ऊपर चला जाए तो भी बड़ा मूवमेंट हो सकता है, और ऊपर जाने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम भी आ चुका है, वॉल्यूम का भी सपोर्ट है, और 200 मूविंग डेज के आसपास फ्लक्चुएट कर रहा है। तो हो सकता है थोड़ा इधर उधर जाके एक दे दे ब्रेकआउट, लेकिन आज मैंने जैसे ही बताया थोड़ा वोलेटाइल सेशन रहेगा, रेंज बाउंड मार्केट रहेगा, विद इन 500-600 पॉइंट के अंदर ही मार्केट क्लोज होने के चांसेस ज़्यादा है। तो यही था हमारे आज का जो ट्रेडिंग लेने के पीछे मेरा व्यू था मार्केट के पीछे। तो स्क्रीन को भी एक बार फिर से रिफ्रेश करके दिखाता हूँ दोस्तों। ये सारी चीज़ें दिखाने का मोटिव यही है कि आपको बिलीव होना चाहिए कि मार्केट से पैसा बनता है। आप खाली पैसा गंवाना जानते हो मार्केट में अच्छी तरह से, आप पैसा लूज करना जानते हो, कमाना नहीं जानते हो। तो एक मोटिवेशन है आपके लिए कि पैसा कमाया भी जाता है मार्केट से। तो ये सारी चीज़ें थी आज के वीडियो के पीछे। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारा नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है टेलीग्राम चैनल की, वहाँ पे जाके भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। बहुत सारे वहाँ पे इन्फॉर्मेटिव भरे हम आइडियाज़ देते रहते हैं, और अपडेट पाने के लिए, हमारे आने वाले अपडेट पाने के लिए आप हमारे इंस्टा हैंडल को भी फॉलो कर सकते हो, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।